नाइन्थ टेंथ के मैथ्स पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग फिफ्थ टू एट्थ हैं। वैसे सभी क्लास में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वह लागू होगा और इस हर एक चीज को आपको ज्योमेट्री टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री, जो जनरली सभी को पढ़ना है और आगे भी काम आएगा सभी को, ठीक है। तो उस पर चर्चा पहला हम लोग जो मैथ्स का एक ज्योमेट्री का सबसे पहला चीज होता है वह पॉइंट। पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पॉइंट इज ए डॉट, पॉइंट इज ए डॉट, पॉइंट इज अ डॉट having no length, no breadth, having no length, no breadth, and no height। पॉइंट पॉइंट के बाद हमारे लिए आता है अब लाइन। लाइन जो होता है यह पॉइंट के मिलन से ही ग्रुप ऑफ पॉइंट मैक्स अ लाइन, ग्रुप ऑफ पॉइंट मैक्स। बहुत सारे पॉइंट को आप जोड़ दीजिए, पॉइंट 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 पॉइंट, दैट मीन्स एक लाइन का फॉर्मेशन है। तो हम लाइन को हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ पॉइंट मैक्स अ लाइन। तो इसको हम जब रफली कहेंगे, लाइन इज अ collection of पॉइंट। अब लाइन में जब बनता है तो उसका लेंथ जो होता है वह इंडिफिनिट होता है। लाइन जब हम पढ़ते हैं तो लाइन का लेंथ क्या होता है? इसकी लंबाई जो होती है इसका इंडिफिनिट होता है। तीन चीज है, एक होता है लाइन, दूसरा होता है लाइन सेगमेंट, और तीसरा होता है रीच। इसको एक ग्रुपिंग करके हम इसको कह सकते हैं it has indefinite length, it has no terminating point, it has no end point। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, it has no end point, it can be extended on both sides, it can be extended on both sides। It is denoted by AB। यदि इसके ऊपर इस टाइप का साइन दे दें तो इसका मतलब है ये दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अब है लाइन सेगमेंट। पीस ऑफ, लाइन का टुकड़ा ही लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है पीस और लाइन तो लाइन होता ही है। एक लाइन का टुकड़ा को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। तो इस आधार पर हम इसको बोलेंगे तो इट हैज डिफिनिट लेंथ, It has definite length. अब it has no end point है तो इसमें it has two end points. लाइन में क्या होता था, इसमें दो एंड पॉइंट, इसमें नो एंड पॉइंट, इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, टू एंड, इट हैज टू एंड पॉइंट्स. थर्ड में है इट कैन बी, इट हैज फिक्स लेंथ, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड है, इट कैन नॉट बी. यहाँ पर जब हमारे पास इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, इसको जब हम कहेंगे इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. फिक्स तो लिख दिया यहाँ ऊपर में, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. अब it is denoted by, fourth point है, it is denoted by is. तो ये है इसका समझाने का. आप देखिए रेज में इसका इंडेफिनिट लेंथ, इसमें भी लाइन की तरह ही इंडेफिनिट लेंथ होता है. it has indefinite, length. Second point, it has one end point. It has one end point. One end point. इसको लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे. अब it can be extended in one direction. It can be extended in one direction. It can be extended in one direction. इसको एक डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. और it is denoted by, ओके, लाइन सेगमेंट, रेज और पॉइंट. ज्योमेट्री का प्राइमरी पॉइंट है ये, इसको हमें समझ लेना है ठीक ढंग से और इसको याद भी रखना है जो आगे हमें परेशानी नहीं हो. अब इसी लाइन सेगमेंट, रेज के आधार पर ही ज्योमेट्री का सारा ये जो बेसिक पॉइंट हम लोगों का ज्योमेट्री में होता है यही होता है, पॉइंट, लाइन, रेज ये. अब लाइन से ही आपको ट्रायंगल भी बनता है, लाइन से ही एंगल भी बनता है, ठीक है. लाइन से ही ये चार पॉइंट से ही वर्टेक्स का निर्माण होता है. वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स, एंगल. अब हम लोग आ जाते हैं वर्टेक्स क्या होता है. अब वर्टेक्स जब दो लाइन, दो रेज जहां पर जिसका एंड पॉइंट एक ही हो उसी को कहते हैं वर्टेक्स. दो लाइन जहां आपको आकर मिल जाती है या जहां से दो रेज निकलता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है. सपोज दैट ये रे है, फिर दूसरा लाइन है, दोनों एक पॉइंट पर आके मिल गया। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। जैसे ओ है, ए है, ये बी है, ओ बी और ओ ई दोनों लाइन का, लाइन सेगमेंट का या लाइन का या रेज का एक पॉइंट पर मिलना, वह पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। व्हेन टू रेज वर्टेक्स, व्हेन टू रेज meet at a point, when two rays meet at a point, when two rays meet at a point is known as its वर्टेक्स। इस फिगर में आप देखिए वर्टेक्स OA और दो OB, AO और BO एक पॉइंट पर O पर मिलता है, तो यहाँ O क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। इसी तरह कोई जरूरी नहीं है AO और दूसरा भी हो सकता है, PQ, QR ये सारे भी हो सकते हैं। Q क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। कॉमन पॉइंट OA और OB का कॉमन पॉइंट क्या हो गया? O हो गया। तो जहां से कोई भी रे निकलता है या कोई लाइन आके मीट हो जाता है, वह पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। अब वर्टेक्स के बाद हमारा आ जाता है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल दो लाइन से ही मिलकर एंगल बनता है। दो लाइन से मिलने से जो इंक्लिनेशन का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, उसी को क्या कहते हैं? एंगल। व्हेन इंक्लिनेशन, व्हेन एंगल, when inclination is formed, when two lines meet at a point, when two lines meet at a point and inclination is formed, inclination एक झुकाव पैदा होता है, इंक्लिनेशन इज फॉर्म्ड, इंक्लिनेशन इज फॉर्म्ड इज नोन एज इट्स एंगल। इंक्लिनेशन इज फॉर्म एंगल। अब इंक्लिनेशन इज फॉर्म यानी दो लाइन मिला तो उसके बीच में एक देखिए गैप आ गया है, ठीक है? तो ये यहां से यहां का गैपिंग यही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। जितना उसके बीच का डिफरेंस होता है, दो लाइन के बीच में जो एक फांक बनता है, एक गैप बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? एंगल कहा जाता है। एंगल आप यदि कोई क्वेश्चन अराइज कर दे, एंगल जो होता है, एंगल होने के लिए कितने साइड का जरूरत होता है, कितने आर्म्स का जरूरत होता है, तो हम आराम से कह सकते हैं एंगल्स बनने के लिए 2 आर्म का जरूरत होता है। एंगल जो बनता है उसमें कितने वर्टेक्स होते हैं? तो एक वर्टेक्स होता है। दो लाइन जहां मीट हो जाता है वह उसका वर्टेक्स कहलाता है। और एंगल को डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, इसका स्पेशल साइन होता है, इट इज डिनोटेड बाय इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ये। अब हमारे पास एंगल को यदि यहाँ पर हमारा बना है तो हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल बना है, सिंपली हम लिख सकते हैं एंगल, एंगल साइन देंगे, एंगल ओ, या दो आर्म्स से मिलकर बना है तो AOB भी इसको लिख सकते हैं। AOB या इसको हम BOA भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो एंगल को हम इंडिकेट वो पर एंगल होता है तो उसको हमेशा बीच में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है। सिंपल में हम वो भी लिख देंगे तो यह चलेगा, AOB लिखेंगे तो इससे ये पता चल जाता है दो साइड AO और BO दो साइड से मिलकर बना है, BO और AO दो साइड से मिलकर बना है, इसलिए पूरा इंडिकेट करते हैं पर हमें उसकी साइड का भी पता चल जाता है। एंगल जब हम करते हैं तो क्या क्या होता है, वर्टेक्स होता है, एंगल होता है, साइड होते हैं। इसमें आर्म कौन कौन है, यदि आर्म क्या बात हुआ, आर्म कहें या साइड कहें या लाइन कहें, तीनों चीज यहाँ पर पूछ देगा तो हम कह सकते हैं आराम से यहाँ OA OB तो साइड है। आप पूछेगा वर्टेक्स कौन है, वर्टेक्स बराबर क्या है, वर्टेक्स बराबर हमारा हो गया वो है और इसमें पूछ देगा एंगल कौन है तो एंगल हम यहाँ पर लिख दिए हैं, एंगल O, एंगल AOB, एंगल BOA। अब एंगल के भी टाइप्स होते हैं। अब एंगल में ही हम इंडिकेट जब करते हैं तो हमें परेशानी हो जाता है। जब हम एक एग्जाम्पल लेके फिगर से आप ज्योमेट्री में फिगर मस्ट होता है, फिगर यदि आप नहीं बनाइएगा तो जिस तरह से शरीर में हमारा बोन काम करता है, बैकबोन जो होता है, यदि बैकबोन निकाल लीजिए पूरा शरीर का ढांचा बिगड़ जाएगा। उसी तरह ज्योमेट्री में यदि फिगर आप नहीं इंडिकेट कीजिएगा तो ज्योमेट्री का सत्यानाश हो जाएगा, ज्योमेट्री कहलाने लायक नहीं होगा। ज्योमेट्री को डील करने में हमें फिगर का होना अत्यंत आवश्यक है। It is essential to indicate each and every question with figure. Then you have sense and satisfaction answer to find the question. हमें स्पष्ट सवाल का जवाब मिल सकता है। अब है हमारे लिए यदि हम कह देते हैं, यदि हम इसको इस टाइप में देखिए, ये PQR है, ये देखिए दिमाग लगाइए इस पर। आप यदि आपको पूछ देगा ये इसमें कितना एंगल है तो इसमें सिंपल में यदि हम Q कह दें तो यह हमारा सैन एंड सेटिस्फाइंग आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर Q पर का हमारा 3 एंगल है। आप कौन सा Q पर है तो इसको स्पष्ट तौर पर हमें देखना होता है। ये PQ और QS मिलकर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं PQS या सिंपल में SQP भी कहते हैं, SQP। फिर आप देखिए ये एंगल को कैसे इंडिकेट करिएगा, RQS या SQR। और सिंपल में आप यहाँ देखिए, आप बड़ा सा ले लीजिए RPQR या RQP। तो यहाँ पर एक चीज को दो तरीका से हम लिख सकते हैं, एक चीज को दो तरीका से लिख सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पर कितना एंगल बना, 3 एंगल बना, 1, 2 और 3 पूरा यहाँ से यहाँ। तो हर एक को हम इंडिकेट इस टाइप से कर सकते हैं। सिंपल में एक एंगल आता तो यहाँ पर हम कह सकते थे एंगल Q, शॉर्ट में सिंपली हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 एंगल है तो इसको हम और ये पूरा लिखने से हमारा साइड का भी पता चल जाता है कि इसमें कौन सा साइड है। और एंगल बनने के लिए 2 साइड का होना जरूरी है, इसलिए। अब है एंगल का भी टाइप्स होते हैं, एंगल भी हमारे जो एंगल का टाइपिंग है उस पर भी हम लोग विचार। पहले हम एंगल का टाइप जान लेना जरूरी है कि कितने एंगल हैं उसको हम बारी बारी से अच्छा से, जैसे एक्यूट एंगल। अब सब में एंगल हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बार बार लिखना ठीक नहीं है। आप देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड में राइट एंगल, सब में आप लगाते चलिए एंगल। फोर्थ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री हम अभी स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। पांचवा में आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल फिर लिखा गया रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। सेवंथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एट में सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एडजेसेंट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एडजेसेंट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। थर्ड में, 13 में है एलाइड एंगल या कोई इंटीरियर एंगल। एलाइड एंगल और 14 में को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर, एलाइड को इंटीरियर कहा जाता है, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। एलाइड और को इंटीरियर एंगल एक ही है। ये सारे एंगल पर हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये आप मान के चलना है, ये जितने भी टर्म है आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप अभी से चाहे फिफ्थ में हो, सिक्स में हो, सेवंथ में हो, एट में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, यह जिंदगी भर आपके हर एक टर्म में जिस तरह से हम लोग टेबल याद करते हैं, टेबल का यूज चाहे बचपन में ही क्यों नहीं याद करते हैं, उसका इस्तेमाल हमें हर एक जटिल से जटिल क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स मैथ्स बनाने में भी हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह ये जितने भी टर्म है उसको आपको दिमाग में सेट करना होगा, और यदि आप शुरू में ये कर लेते हैं तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप हर एक क्लास में आपको फिफ्थ से लेके जितने भी ऊपर के क्लास है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बारी बारी से एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे और आप उसी के अनुसार उसको लिख के लर्न भी करना है। सिर्फ बता देंगे, समझा देंगे और लर्न नहीं कीजिएगा आप, तो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यदि आपको मैथ्स को अच्छा करना है तो आपको शुरू से इसको अच्छा से लेके चलना है। और एक एक पॉइंट को यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसी टाइप का तो इसे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो हमें उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक एक टर्म में यदि हम बताए हैं कोई परेशानी हो तो बताइए, ऐसा नहीं लगता है कि होना चाहिए। अब है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है जिस एंगल का वैल्यू 90 से छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। द एंगल विच मेजर, द एंगल विच मेजर्स which measure 90 degree less than 90 degree less than 90 degree is called acute angle। acute angle को एक्यूट एंगल को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से इसका फिगर बनेगा। या इसका वैल्यू जो हो गया एंगल एबीसी का वैल्यू जो होगा लेस देन 90 डिग्री। यदि ये थीटा हम इसको ऐसे मान लें, ऐसे थीटा या कुछ थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए, 90 से छोटा। इंडिकेट जब हम करते हैं इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 से छोटा, स्मॉलर देन 90। दूसरा आ जाता है राइट एंगल। सेम वही चीज आप उसमें कीजिएगा। द एंगल व्हिच मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। सेम वही लिखना है। द एंगल सब में एक चीज है। द एंगल व्हिच मेजर, राइट एंगल में हम क्या लिखेंगे, द एंगल which measure is 90 degree, which measure 90 degree is right angle। राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री, दो लाइन जब एक दूसरे पर एकदम खड़ा हो तो इसको राइट एंगल कहते हैं। यानी बी का वैल्यू जो होगा, एंगल एबीसी का वैल्यू जो होगा यह 90 डिग्री होगा। ठीक है। Have you any doubt? The angle which measures 90 degree, the angle which measures 90 degree is called right angle। अब राइट एंगल के बाद आता है obtuse angle। obtuse थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब हमारा आ जाता है obtuse angle। obtuse angle में the angle which value which measures ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, जिसका वैल्यू जो होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस द एंगल, the angle which measures 90 but less than 180। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो इसके बीच का देखिए क्या है। यदि बी सी है तो इसका बीच का गैप देखिए, थोड़ा सा ये जो गैप है यह बड़ा होते जा रहा है। यानी इसको जब इंडिकेट करेंगे 90 से, एंगल ये बीच वाला है थीटा, 180 से, 90 से बड़ा 180 से छोटा, या एंगल इसको सपोज, थीटा को क्या माने हैं, एंगल। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। अब आ जाता हम लोग स्ट्रेट एंगल, धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ते जा रहा है और उसी आधार पर सारा डेफिनेशन आप लर्न कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल का डिफाइन है फोर्थ द एंगल स्ट्रेट एंगल, the angle which measure 180, the angle which measure 180 is called, the angle which measure 180 is called straight स्ट्रेट एंगल। इसको हम इंडिकेट करेंगे स्ट्रेट, दो लाइन यहाँ पर मान लीजिए, ये इधर से वो मान लीजिए ये है, और फिर यहाँ पर एक और लाइन इधर स्ट्रेट चल गया और यहाँ पर स्ट्रेट एंगल, इसलिए इसका नाम स्ट्रेट एंगल हुआ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट, वो मिड पॉइंट है, वो एक इधर गया एक दूसरा इधर गया, दोनों लाइन एक दूसरे के ठीक अपोजिट होता है। ये जो एंगल बनता है, दो लाइन एक दूसरे के क्या होता है, एक सीधा हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। देख लीजिए ओ ए और ओ सी, और इससे इसका वैल्यू कितना हो गया 180। तो इसी को स्ट्रेट एंगल यानी थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 180। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स, ना कॉम्प्लेक्स नहीं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल से आप क्या समझते हैं? द एंगल व्हिच वैल्यू ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। द एंगल व्हिच measure greater than 180 but less than